आपको बताते चले कि झांसी के तहसील गरौठा अंतर्गत ग्राम पंचायत धमनौड़ में विपिन कुमार सक्सेना के नाम भूमि संख्या 1419 में 25,000 घन मीटर का बालू खनन का पट्टा जारी हुआ है, जिसकी आड़ में नदी से उस पार हमीरपुर जिला की सीमा एवं झांसी जिले से अवैध खनन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत धमनौड़ के पूर्वा मछलीकाज के लोग द्वारा प्रशासन को IGRS के माध्यम से जांच करने के लिए आवेदन किया, जिसमें जिले के संबंधी अधिकारियों द्वारा झूठी आख्या लगा दी जाती है, ना ही प्रार्थी गणों को कोई सूचना दी जाती है। ग्राम के लोगों को कंपनी के लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा झूठे मुकदमे एवं मारपीट करने की धमकी दी जाती है, जिससे लोगों में भय उत्पन्न हो गया है। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्राम के लोगों ने शासन प्रशासन को इस मामले की ओर ध्यान देने के लिए मीडिया का सहारा लिया है, जिससे हो रहे अवैध खनन माफिया पर उचित कार्रवाई हो सके एवं हम ग्रामीणों को न्याय मिल सके। आपका नाम क्या है? लहरी वाली। अच्छा, क्या हुआ मामला? हमारे खेत वो ट्रक चला रहे जी, यहाँ उनका पट्टा भी नहीं है और अवैध बालू वहाँ की उठा रही ऊपर के हमीरपुर जिला की। अच्छा, वो हमारे खेत से रास्ता बनाए, लीक बनाए, हम जाम लगाते हैं, हमारे लिए पुलिस बुलाते हैं, हमारे पति को पुलिस से पकड़वा दिया, आज हम यहीं पे खेत यहीं पे खड़े हैं, हमारे पति को पकड़ के ले गए। पुलिस ले गई। उनसे कुछ कहा तो नहीं पुलिस वालों ने हमारे पति को धक्का धक्का मार दिए और जब रही से पकड़ के तान के ले गए यहाँ से। कहाँ के निवासी? मछली का। क्या मामला है? ये मामला है कि हमारे बड़े भाई साहब का यानी खेत पड़ता है यहाँ पे, तो ये अवैध उपार से बालू उठा रहे हैं और हमने शिकायत भी पहले की अवैध की यानी, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे और धमकी हमकी भी देते हैं, कहते हैं यानी पुलिस वुलिस को बुला के भाई सुनवाई कौन नहीं कर रहा है, वो खनिज अधिकारी यहाँ से क्या कहते हैं, आख्या लगा देते हैं, कहते हैं हमने चेक कर लिया सब हो गया, यानी कुछ वहाँ अवैध नहीं हो रहा है और यहाँ पर अभी भी अवैध हो रहा है। आज भी हो रहा है।